हम जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और भारत का विभाजन कर पाकिस्तान नाम का देश विश्व के नक्शे पर आया। स्वतंत्रता और विभाजन के पहले भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 17 प्रांतों के अलावा 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं और भारत के कुछ क्षेत्र फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेश थे। भारत को आजाद करने के लिए ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को लाया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर लिया गया, जिसके अनुसार ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बनाया जाएगा। वहीं ब्रिटिश भारत के 565 देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित रहने का विकल्प दिया गया, लेकिन भारत के अंतरिम सरकार को रियासतों के स्वतंत्र रहने पर आपत्ति हुई और उन्होंने भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके सचिव वीपी मेनन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की सूझबूझ और प्रयासों से 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर रियासत को छोड़कर 549 रियासत भारत में शामिल हो गए, जिसमें भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत के विभाजन का काम सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए रेखा खींची, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। विभाजन में ब्रिटिश इंडिया के 3 प्रांत पंजाब, बंगाल और असम को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। भारत में शामिल पंजाब को पूर्वी पंजाब और पाकिस्तान में शामिल पंजाब को पश्चिम पंजाब तथा भारत में शामिल बंगाल को पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान में शामिल बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। असम प्रांत का सिलहट जिला जनमत संग्रह से पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो गया। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत भारत में और 3 प्रांत पाकिस्तान में शामिल हुए। आजादी के बाद 26 नवंबर 1947 को विलय पत्र द्वारा जम्मू कश्मीर को, 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को और 18 सितंबर 1948 को पुलिस कार्यवाही द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल किया गया। 552 रियासत भारत में और 13 रियासत पाकिस्तान में शामिल हो गए और इस तरह ब्रिटिश इंडिया का भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ। यदि भारत के रियासतों का एकीकरण नहीं किया जाता तो भारत का नक्शा आज कुछ इस तरह होता। 1947 से 1949 तक रियासतों के क्षेत्र राजनीतिक रूप से भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। अधिकांश छोटे रियासतों को मौजूदा प्रांतों में मिला दिया गया। कई रियासतों ने मिलकर अलग अलग प्रांत बनाए और कई रियासत प्रांत बन गए, जिसमें असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत और बरार, मद्रास, उड़ीसा, पूर्व पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कुर्ग प्रांत पूर्व ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे। लक्कादीप, मिनिकाय, अमीन दीवी द्वीप समूह को मद्रास में शामिल किया गया। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, भोपाल और बिलासपुर रियासत को प्रांत बनाया गया। वहीं मध्य भारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, तावर्णकोट, कोचीन, हिमाचल प्रदेश और विंध्य प्रदेश प्रांत रियासतों के समूह या संघ थे। ब्रिटिश भारत के सबसे छोटे प्रांत पंत पिपलोदा को मध्य भारत प्रांत में शामिल कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया और प्रांत को राज्य या प्रदेश कहा जाने लगा। 1950 में भारत के 27 राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। पहले भाग में ऐसे राज्य थे जो पहले ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रांत थे। इस भाग में कुल 9 राज्य थे, जिसमें असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पूर्व पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल थे। 1950 में मध्य प्रांत और बरार का नाम बदलकर मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। दूसरे भाग में पूर्व रियासत या रियासतों के समूह थे। इन राज्यों पर शासन के लिए राज प्रमुख पद बनाया गया था। इस भाग में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर, कोचीन राज्य शामिल थे। तीसरे भाग में
पूर्व ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त, प्रांत और कुछ छोटी रियासतें शामिल थी, जिसमें कुल 10 राज्य थे, जिसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश राज्य शामिल थे। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का नाम बदलकर अजमेर राज्य कर दिया गया था। चौथे भाग में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाता था। भारत को स्वतंत्र और संविधान लागू हुए अभी कुछ ही साल हुए थे और भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग होने लगी। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया। आंदोलन में शामिल पोट्टी श्री राममुल्लू की 56 दिन भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से आंध्र राज्य का गठन किया गया। भाषा के आधार पर बनाया गया भारत का यह पहला राज्य था। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर राज्य को हिमाचल प्रदेश में जिले के रूप में शामिल किया गया। पांडिचेरी, माहे, यानाम, कराईकल और चंदन नगर फ्रांस के उपनिवेश थे, जिसे 1954 में फ्रांस सरकार ने भारत सरकार को सौंप दिया। चंदन नगर को जनमत संग्रह द्वारा 1954 में पश्चिम बंगाल राज्य में शामिल कर लिया गया। पांडिचेरी, माहे, यानाम, कराईकल अर्जित राज्य क्षेत्र कहलाए। 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र राज्य बनने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग होने लगी, जिसे देखते हुए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। आयोग की सलाह पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और भारत में 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों की सीमा का विभाजन कर नए राज्य बनाए गए और वहीं कुछ पड़ोसी राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाया गया। 1956 में उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य में बिहार राज्य के कुछ हिस्से को मिलाने से राज्य का क्षेत्र बढ़ गया, वहीं बिहार राज्य का क्षेत्र थोड़ा कम हुआ। पंजाब राज्य में पटियाला और पूर्वी राज्य संघ पेप्सू को मिला दिया गया। बॉम्बे राज्य के बाबू रोड और मध्य भारत राज्य के सुनील टप्पा क्षेत्र तथा अजमेर राज्य को राजस्थान में मिलाकर राज्य का पुनर्गठन किया गया। त्रावणकोर कोचिन राज्य में मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों को मिलाया गया और त्रावणकोर कोचिन राज्य का कुछ हिस्सा मद्रास राज्य को दे दिया गया। इस तरह नया केरल राज्य अस्तित्व में आया। मद्रास राज्य, बॉम्बे राज्य, हैदराबाद राज्य के कन्नड़ भाषी जिलों और कुर्ग राज्य को जोड़कर मैसूर राज्य का पुनर्गठन किया गया। इस तरह मैसूर राज्य और मद्रास राज्य का राजनीतिक नक्शा अस्तित्व में आया। आंध्र राज्य में हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाया गया और इसे एक नया नाम आंध्र प्रदेश दिया गया। वहीं मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य तथा राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र को मिलाकर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और मध्य प्रदेश के नागपुर डिवीजन के मराठी भाषी क्षेत्रों को बॉम्बे राज्य में शामिल कर दिया गया। हैदराबाद राज्य व मध्य प्रदेश राज्य के मराठी भाषी क्षेत्रों तथा सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बम्बई राज्य में मिलाकर बम्बई राज्य का विस्तार किया गया। साथ ही बम्बई राज्य के कन्नड़ भाषी जिलों को मैसूर राज्य में और बाबूरोड क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया। इस तरह पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ पेप्सू, अजमेर राज्य, त्रावणकोर कोचिंग राज्य, हैदराबाद राज्य, कुर्ग राज्य, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य, सौराष्ट्र, कच्छ राज्य और बिलासपुर राज्य भारत के पूर्व राज्य थे। 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, जिसमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश शामिल थे। वहीं मद्रास राज्य से लक्कादीव, मिनिकोय और अमीन दीवी द्वीप को केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाया गया। 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जिसके अनुसार बम्बई राज्य से नए राज्य गुजरात का गठन किया गया तथा शेष बम्बई राज्य का नाम बदलकर महाराष्ट्र कर दिया गया। 1954 में पुर्तगाल से स्वतंत्र होने के बाद 1961 तक दादरा एवं नगर हवेली में स्वयं का चुना गया प्रशासन चलता था। 11 अगस्त 1961 में यह भारत में विलय होने के साथ
साथ ही यह केंद्र प्रशासित क्षेत्र बन गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा, दमन और दीव को 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से स्वतंत्र कराकर भारतीय संघ में शामिल कर लिया। 1961 में दमन और दीव को भारत का एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाया गया। 1962 में गोवा, दमन और दीव को मिलाकर केंद्र प्रशासित क्षेत्र बना दिया गया। 1954 में फ्रांस द्वारा पांडिचेरी, माहे, यानाम, कराईकल को भारत को सौंपने के बाद 1962 तक इसका प्रशासन अर्जित राज्य क्षेत्र के रूप में चलता रहा। दिसंबर 1962 में इसे मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए 1 दिसंबर 1963 को असम राज्य के कुछ क्षेत्रों को लेकर नागालैंड राज्य का गठन भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में हुआ था। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्रों को भारतीय संघ का 17वां राज्य हरियाणा के रूप में स्थापित किया गया। साथ ही पंजाब राज्य से लगे पहाड़ी क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाया गया। 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा और उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा असम राज्य से 2 संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी अस्तित्व में आए। 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। इसी तरह 1 नवंबर 1973 से लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप को नए नाम लक्षद्वीप से जाना जाता है। 1975 तक सिक्किम एक स्वतंत्र राष्ट्र था। भारत में शामिल होने के लिए सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में एक अभिन्न हिस्सा बन गया। 1987 में संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को अलग कर भारत का 25वां राज्य बनाया गया और दमन और दीव संघ शासित प्रदेश रहे। 1991 से संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल राज्य और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से झारखंड राज्य अस्तित्व में आए। 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया। 1 जनवरी सन 2007 से उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। सन 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।